साउथ सुपरस्टार विजय थलापति की अपकमिंग फिल्म लियो रिलीज से पहले ही छा गई है। फिल्म ने एडवांस बुकिंग में शानदार कमाई कर ली है। इतना ही नहीं, लियो ने एडवांस बुकिंग कलेक्शन में शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म जवान को भी शिकस्त दे दी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि विजय की मोस्ट अवेटेड फिल्म रिलीज के बाद कई बड़े रिकॉर्ड बनाने वाली। बता दें कि फिल्म 19 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। सैकनिल की रिपोर्ट के मुताबिक विजय थलापति स्टारर एक्शन से भरपूर फिल्म लियो ने एडवांस बुकिंग में अब तक 16 लाख से ज्यादा का बेच दिए हैं और यह आंकड़ा 20 लाख तक भी पहुंच सकता है। जबकि पिछले महीने रिलीज हुई जवान ने एडवांस बुकिंग में 15.75 लाख टिकट बेचे थे। ऐसे में लियो इस साल 2023 की एडवांस बुकिंग में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। बता दें कि भले ही एडवांस बुकिंग में लियो ने जवान से ज्यादा टिकट बेचे हैं, लेकिन कलेक्शन के मामले में विजय थलपति की फिल्म अब भी जवान से पीछे। दरअसल शाहरुख खान की फिल्म ने एडवांस बुकिंग में 41 करोड़ रुपए कमाए थे, जबकि लियो के 31 करोड़ कमाए जाने की रिपोर्ट है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जवान की टिकट की कीमत 251 रुपए थी, वहीं लियो की टिकट की कीमत 202 रुपए है। लियो को साउथ के दिग्गज डायरेक्टर लोकेश कनगराज डायरेक्ट किया है। फिल्म में विजय के साथ त्रिशा कृष्णन, संजय दत्त, अर्जुन सरजा और मैसेस्किन जैसे दूसरे स्टार्स भी अहम किरदार अदा करते दिखाई देंगे। तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ 4 भाषाओं में 19 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। तो आपको कौन सी मूवी पसंद आया है, जवान या लियो? प्लीज कॉमेंट।